ये देखो ये रहा अपना बम्पर। बाकी भाई जो भी ना इसे काम होना है, जैसे वायरिंग वगैरह यहाँ पे कट रखी है, ये रबड़ वगैरह थोड़ी सी सेट होने वाली है। मेरे को तो भाई बुलेट लेके जाना है, मेरा उसके बिना काम नहीं चलने वाला। हेलमेट नहीं है तो दोबारा आऊंगा किस दिन यहाँ से ना। बहुत प्यारा रोड है, इतना मजा आया ना, एक बार मैं बाइक को चलाता हूँ, इतना मजा आया ना भाई राइड करने का। भाई भगाते हुए आया हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले मेरे को जाना था दूसरी साइड, भाई और आ रहे थे स्लो वाली साइड, तो अभी ना मैं आम जा रहा हूँ। सामने ना सनसेट हो रहा है, क्या प्यारा लग रहा है। तो भाई ब्रेक की आवाज ही ना फिर आ रही है। भाई और आराम से आ रहे थे उस साइड के लिए और मैं यहाँ से जा रहा था, उनकी कॉल आई थी, पहले मेरे को वहाँ जाना था, उन्होंने कॉल मेरे को थोड़ी लेट की, वो पहुँच गए थे और फिर मैं घर से निकला था, वो वहाँ से ना निकल गए हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम बाजा। और ना भाई ये रोड ना इतना प्यारा है ना, मैं आऊंगा एक बार फिर से ना जल्दबाजी में, हेलमेट लेके नहीं आया, मैं फिर आऊंगा और हेलमेट लेके आऊंगा और फिर दिखाऊंगा भाई। इतना प्यारा रोड है ना, इतना मजा आया ना राइड करने का। अभी पहुंचते हैं भैया के पास। A few moments later. The next morning. So good morning guys, welcome back to my channel. Blog मैंने वैसे कल स्टार्ट किया था, पर फिर ना थोड़ा कुछ काम पड़ गया था, फिर मैंने कहीं निकल गया था, तो ब्लॉग ना फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आज नेक्स्ट डे। तो अभी मैं स्विफ्ट में हूँ और स्कॉर्पियो अपनी खड़ी है, और वो किस लिए खड़ी है वो मैं बताता हूँ आपको। एक बार ना पहले मैं इसको टर्न कर लू। अभी मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के आ गया हूँ घर से, रात को भाई बुलेट लेके आ रखा था ना जब मैं, उस टाइम जब बुलेट लेके आया था, फिर बुलेट ना मैंने यहीं पे पार्क कर दिया था, फिर गाड़ी लेके निकल गया था यहाँ से। बाकी क्या सीन हो रखे मैं बताता हूँ आपको ना, स्कॉर्पियो भी दिखाता हूँ। स्कॉर्पियो भी यहीं पे खड़ी करनी पड़ गई थी, खड़ी अपने स्कॉर्पियो, इसको भी कल यहीं पे खड़ा करना पड़ गया था, किस लिए वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फाइनली गाइस घर से निकल के आ गए हैं और पीछे अपने स्कॉर्पियो ये चल रही है, तो अपने स्कॉर्पियो का हो चुका है इंजन सीज, तो ना उसको छोड़ने जा रहे हैं, इसके साथ ये चला छोड़ने। पीछे वाली में डैडी और भैया जा रहे हैं, आगे वाली में हम जा रहे हैं और टॉक करके जा रहे हैं, तो अभी इसको छोड़ने जा रहे हैं लुधियाना, तो चलते हैं और रास्ते में जाने रुकेंगे, तब मिलते हैं आपसे। और इधर बम्पर भी हमने खोल के रखा हुआ है, इन्हें टॉक कर रखे ना, यहाँ से दिखेगा ही नहीं, तो वो देखो बम्पर खोल के लेके जा रहे हैं, हमें आज स्पीड लिमिट में चलना पड़ रहा है। अबे चार को 12 किलोमीटर रह रहे हैं यहाँ से। गाइस हम ना प्लेन रोड में आ चुके हैं और यहाँ पे ना हल्की हल्की ना धुंध मिलनी स्टार्ट हो गई है, पर वो मोड़ खत्म हो गया, मोड़ों की टेंशन खत्म हो गई है ना, अब सीधा है। तो चढ़ गया, कितनी फील हो रही है पीछे से? बहुत ज्यादा भाई एक्सपीरियंस है, तभी तेरे को नहीं गाड़ी ड्राइव करना पड़ती, मैं चला रहा हूं। कोई ना, एक मेरे हाथ में कट मैं ही करूंगा, फर्क होगा, कट मैं ही करूंगा, टेंशन ना ले। शीशे पहले खुले थे, फटाफट बंद हो गए दोनों, भगाना यहाँ पे खाली रोड है, आगे गाड़ी नहीं है। जान दे कुछ नहीं, जान दे। यहाँ पे ज्यादा ठंडे मारे, वहां ठीक है ना, धूप निकल रखी है, तो लगेगा झटका ना ब्रेकर पे। निकल गए ब्रेक ना दवानी, बड़े खिंच के निकालियो, जान दे। एक बार नट भी चेक कर लेंगे ना, सुबह से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ना भाई टो करके लेके जा रहे हैं, और बम्पर भी इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि टॉक करने के लिए ना वहाँ पे ना जो दूसरा वाला हुक था उस पर लगना नहीं था, और दूसरा वाला खोलना पड़ा, तो इसलिए ना बम्पर निकालना पड़ा। ठीक है, ठंड यहाँ पे कितनी ज्यादा है ना भाई, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। और ये देख लो, ये रहा अपना बम्पर, ये वाले हुक भी लगाने के लिए निकालना पड़ा।
गाइस फिलहाल हम टोल पे पहुंच चुके हैं लुधियाने, यहाँ से ना 15 किलोमीटर रह चुका है भाई। क्या मजा आ रहा है। तो भाई यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा है ना, बहुत ही ठंड है। और ये रही अपनी स्कॉर्पियो, यहाँ देखो भाई हल्का हल्का फॉग भी है। मजा आ गया, इतना ट्रैफिक मिला नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। पीछे भाई टर्न्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, झटका मार रहे थे ना गाड़ी पीछे से। बाकी भाई मेन रोड पर ज्यादा दिक्कत नहीं, बस गाड़ी वाले बीच में लेकर आ रहे थे, बस उनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया आ गया, बस अब चलते हैं 15 किलोमीटर और जाने। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर करियो करियो हल्का मार ले सर, ज्यादा बड़ी गंदी आवाज आई। सो फाइनली गाइस स्कॉर्पियो लेके, दोनों स्कॉर्पियो लेके लुधियाना पहुंच गए और अब यहाँ छोड़ेंगे अपनी बाकी गाड़ियों में। काम भी यहीं पे होता था, यहीं पे आए थे, क्योंकि इंजन का काम है तो इंजन कहीं भी खुलवा नहीं सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये ना, कल भैया और डैडी ना मार्केट आए थे और ना इंजन से ना कुछ आवाज आ रही थी, तो इंजन सीज हो रखा है। पर ये ना मतलब इंजन ऑयल कम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मतलब गाड़ी में। इसमें ना इंजन में ना अंदर कुछ टूट गया, जिसकी वजह से ना भाई अभी आपको मैंने साउंड सुनाई जब स्टार्ट की है, तो उसकी वजह से ना भाई इंजन की प्रॉब्लम आ गई हुई है। तो इसलिए ना पूरा इंजन का काम होगा, पूरा इंजन खुलेगा और रिपेयर होगा, जो भी दिक्कत होगी। तो अब ना लुधियाना खड़ी रहेगी, अब हफ्ता 10 दिन जितने भी लगेंगे इंजन का काम है। इसलिए भाई यहाँ पे लुधियाना लेके आए, अब छोड़ेंगे यहाँ पे, देखते हैं कितने दिन में ठीक होती है। देखते पहले भी तो यहाँ पे खोल के देखेंगे कितना काम है, फिर उसके बाद जो भी आएगा डिसीजन है उसके बाद लेंगे। अभी तो एक काम करते हैं, भूख भी लग रही है ना, यहाँ पे कुछ देखते हैं आस पास खाने को मिलता है तो कुछ खाते हैं। चलो भाई चाय आ गई भाई, बहुत ठंड है यहाँ पे तो। और अपने यहाँ पे छोड़ रहे हैं ना स्कॉर्पियो को, तो इसका जो भी थोड़ा बहुत काम और भी काफी काम होने वाला है, जितना भी काम होने वाला है ना अब सारा काम होगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें ना स्क्रैचेस भी बहुत लग रखे हैं और पेंट भी कई जगह से निकल रखा है, और रबिंग भी सोच रहा हूँ कि रबिंग भी करवाई लूँ। पर देखते हैं पहले इंजन एक बार चेक करके देखेंगे कितना काम है, ज्यादा काम होगा अगर तो फिर देखते हैं। अब ये नहीं पता भाई इंजन के अंदर क्या टूट गया, क्या सीन है, अब वो तो ये चेक ही करेंगे, उसके बाद देखेंगे, देखते हैं भाई। स्कॉर्पियो ना हफ्ता 10 दिन तो भाई स्कॉर्पियो रहेगी खड़ी। बुलेट भी ना भाई मैं कल रात को आया था, और आपने देखा था कल मैं बुलेट पे आया था, फिर शाम को ना भाई गाड़ी लेके चले गए थे ऊपर, हम स्विफ्ट लेके चले गए थे, तो बुलेट भी वहीं पे खड़ा है, हम भी खड़े। तो अभी जाते हुए देखता हूँ बुलेट को भी आज लेता हूँ या कल लूंगा, देखते हैं जैसे भी रहेगा, क्योंकि बुलेट तो मेरे को चाहिए ना भाई ब्लॉग बनाने के लिए, और अभी स्कॉर्पियो भी नहीं है। चलो फिलहाल तो एक काम करता हूँ, मैंने बता दिया कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रखी है, तो इसका ना इंजन की प्रॉब्लम है सीरीज या जो भी हो रखा है, तो जो भी काम होगा वो इंजन का ही होना है, इसलिए यहाँ पे आए। छोटा मोटा काम तो भाई कहीं भी करा लो, पर इंजन ना भाई मेन चीज है, इसके लिए ना भाई हर जगह नहीं खुलवा सकते इसको, तो इसलिए यहाँ पे आए। तो अभी नहीं चेक कर रहे हैं, फिर देखते हैं। चलो मिलता हूँ आपसे, चाय पी लेता हूँ और उसका कुछ खाने चलते हैं, फिर मिलता हूँ। तो गाइस अपने इसको छोड़ दिया यहाँ पे, सामान वगैरह देख रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है तो नहीं है, नहीं है। बाकी भाई जो भी ना इसे काम होना है, जैसे वायरिंग वगैरह यहाँ पे कट रखी है, ये रबड़ वगैरह थोड़ी सी सेट होने वाली है, स्टीरियो का काम होना है, बाकी थोड़ा बहुत और भी काम है ना, तो सारा वो लोग टूट रखा है जैसे, तो सब बता दिया। जितना भी काम होना है ना स्कॉर्पियो का पूरा ओके करवा रहे हैं, जितना भी है एकदम सही बना के लेके जाएंगे यहाँ से। ये वाली लाइट्स भी चेंज कराऊंगा मैं शायद, देखते न्यू वाली डलवाऊंगा या इसी वाली मॉडल के डलवाऊंगा। देखते जो फटाफट लग रहे हैं ना, ये भी सारा क्लियर करवा रहे हैं, यहाँ पे भी लगवाएंगे एकदम, जो भी काम होना है ना स्कॉर्पियो का सारा काम करवा रहे हैं। ज्यादा तो लाइन में लगी सारी गाड़ियां, तो लगी ना एक के पीछे एक गाड़ी ज्यादा बढ़ गई। अब तो यहाँ डैम है ना, जरा देख के मोड़ काटना जरा, अरे करो को अपनी तरफ सीधी डैम ए तभी इश्यू भाई चलाने वाली जगह है नहीं। आओ रहने दे, चलो चलो हां जान दे। नहीं नहीं पता नहीं चल रहा कुछ, जानो जानो खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो। मेरे को स्कोर पे जा रही है, उसकी लाइटें दिख रही है बस। इसमें व्हाइट लाइट बिल्कुल बेकार है ना, ऐसे में व्हाइट लाइट नहीं काम, मेरे बुलेट की बिल्कुल नहीं करेगी, पहले अल्ट्रा थोड़ी बहुत करेगी भी, नई लाइट तो बिल्कुल नहीं काम करेगी इसमें।
फाइनली गाइस फिलहाल ना हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी ना पेट्रोल पंप पे आए हैं, तो ना मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं पहले आम में जाके ना भाई। अभी ना मेरे को बुलेट भी उठाना है और उसके बाद फिर निकलूंगा घर के लिए, क्योंकि बुलेट भी लेके जाना है। बाकी कार तो और भी है पर मेरे को तो भाई बुलेट लेके जाना है, मेरा उसके बिना काम नहीं चलने वाला। मैं तो जाने मत कर गाड़ी, ये चला दे गाड़ी।